रोहिणी के अमन बिहार में महिला की गोली मार के हत्या का मामला सामने आया है। 50 साल की महिला गीता शर्मा की उनकी बहू के भाइयों ने गोली मारकर हत्या की। मृतक गीता के बेटे ने मुस्लिम महिला के साथ एक साल पहले प्रेम विवाह किया था। पुलिस के मुताबिक मृतक की बहू के भाइयों ने पुलिस को बताया कि बहू अपने मायके से कुछ जेवरात ले आई थी जिसको लड़की के भाई वापस मांग रहे थे। इसी बात पर गुरुवार को रात में आरोपी मृतक के घर पहुंचे, अपनी बहन से जेवर मांगे, लेकिन वहां सास गीता शर्मा की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। लड़की के भाइयों ने लड़के की माँ की मौत को घाट उतारा है। हत्या के यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। इससे आप खुद भी देख सकते हैं कितने बेखौफ तरीके से मृतक महिला के बहू के भाइयों और अन्य लोगों ने इस वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सीसीटीवी फुटेज उसी वारदात की है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और तमाम पहलुओं से पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूरे मामले को समझते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल एक पीसीआर कॉल मिली थी कि एक लेडी को गोली लगी है अमन विहार एरिया में। तो हमने मौके पर जाके देखा, जो एक लेडी है गीता, 50 ईयर्स एज है उनकी अप्रॉक्सीमेटली, उनको गोली लगी थी और वो कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बाद में वेरिफिकेशन में पता चला कि इनको जो गोली मारी गई है उस पर थोड़ा सा हमने आगे फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की उसमें पता चला कि इनका बेटा है एक दीपक, और उसकी जिससे शादी हुई है लड़की से, सितारा से, एंड उसके जो इन लॉज हैं दीपक के, वो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। और जो दीपक की वाइफ थी वो गाज़ियाबाद में अपने घर गई एक दिन पहले, मतलब एक दिन पहले ही आई थी, और वहाँ से कुछ ज्वेलरी और पैसे जो थे वो उनकी परमिशन के बिना लेके आ गई थी, जिसकी वजह से वो लोग इनको फ़ोन कर रहे थे कि हमें अपना वो ज्वेलरी और जो पैसे हैं वापस कीजिए, और इन्होंने वापस नहीं किए। इन्होंने कुछ किया डिली डेलिंग की अभी हम आज नहीं कल करेंगे, तो वो लोग शराब के नशे में थे। कुछ शख्स जो इनके जो भाई थे और उनके कुछ एक दो कंप्लेंस, उनका भी रोल अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, शराब के नशे में थे। वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा मौके पे, उन्होंने शॉट करके लेडी को और भाग गए वहाँ से। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? अभी तक हमने 4 लोगों को डिटेन किया है क्वेश्चनिंग के लिए, जिसमें 3 लड़की के भाई हैं और एक अकम्प्लिस है उनका, और फर्दर बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जिस जिसका रोल आएगा अकॉर्डिंगली हम उनके खिलाफ। क्या नाम है इनके जिनको आपने गिरफ्तार किया? इनके भाई हैं जो आमिर, नावेद, सलमान, और जो अकम्प्लिस है भल्ला है, अमन भल्ला, और बाकी जो और किसी का रोल अगर सामने आता है तो वो भी हम वेरीफाई करेंगे। सर कितने साल पहले हुई थी और क्या जब से विवाद था इनके बीच में? 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी। तो जो इनकी क्वेश्चनिंग में इन्होंने बताया कि इनको एज सच कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी उससे, क्योंकि इन्होंने मोर और लेस एडजस्ट कर लिया था कि ठीक है आप रह रहे हो वहाँ पे, पर इनको लगा कि ये बारी बारी शादी के बाद ये 2-3 बार वहाँ पे गई भी थी, कभी कुछ किसी वजह से मिलने के लिए चले जाते थे, बट इनको लग रहा था कि बारी बारी आके चली जा रही हैं वापस। और कल जैसे इन्होंने बिना परमिशन के ज्वेलरी और पैसे, जो ये इनके भाई बोल रहे हैं कि हमारे और हमारी बहनों के हिस्से के थे जेवरात, वो हमारी परमिशन के बिना ये सारे उठा के ले आई इनकी जो बहन है, और हम इनको बोल रहे थे वापस कीजिए और वापस नहीं किए, और ये शराब के नशे में तो थे ही, तो उस वजह से ये इंसिडेंट हुआ।